डिडवाना शहर के अशोक स्तंभ, पुरानी पंचायत समिति की गली, सोन देवी स्कूल के पास और गोपाल गौशाला के सामने इन दिनों गंदगी का अंबार बना हुआ है। जिम्मेदार घोड़े बेचकर सोने में व्यस्त नजर आ रहे हैं। आलम यह है कि सड़कों पर यहाँ वहाँ फैली गंदगी और उससे उठती संडास के चलते लोगों का इस मार्ग से गुजरना भी दुभर हो गया है। वैसे अगर देखा जाए तो स्वच्छ भारत अभियान की यहाँ खुलकर धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, लेकिन कोई भी यहाँ साफ सफाई करवाने की जहमत नहीं उठा रहा। अगर इस वार्ड की बात करें तो यह वार्ड चेयरमैन का खुद का वार्ड है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब इस वार्ड की ऐसी हालत है तो अन्य वार्डों की क्या हालत होगी। वैसे अगर देखा जाए तो इसमें थोड़ी लापरवाही उन सब्जी विक्रेताओं की भी है जो इस क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन यह लोग अपनी सड़ी गली और बची खुची सब्जियां भी यही फेंक देते हैं, जिससे हालात ज्यादा बिगड़ने लगे हैं। आप इस कचरे के ढेर को देखकर इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि क्षेत्र के लोगों को किस हालत में यहाँ रहकर अपना व्यवसाय करना पड़ता है। यहाँ दिन भर मवेशी इस कचरे में अपने लिए भोजन तलाशते देखे जा सकते हैं, और यह सब होता है यहाँ सब्जी बेच रहे सब्जी विक्रेताओं के कारण, क्योंकि यह सब्जी विक्रेता इसी जगह अपनी बची खुची और सड़ी गली सब्जियां फेंक देते हैं, जिसके चलते मवेशी दिन भर यही घूमते रहते हैं। अब देखना यह होगा कि कब तक जिम्मेदारों की नींद टूटती है और इस क्षेत्र के व्यापारियों के साथ ही आम जन को राहत प्रदान कर पाते हैं।